आज हम लोग डिस्काउंट का एक सवाल देखेंगे कि जो डिस्काउंट के जो सवाल है तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं। जब भी हम मार्केट में कोई सामान लेने जाते होंगे तो हमें दुकानदार कुछ छूट देते हैं ना, इसमें 5% की छूट है कि 10% की छूट है कि 12% की छूट है कि 15% की छूट है, तो वह छूट को कैसे निकालते हैं वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास एक सवाल है कि एक टेबल का दाम 2200 रुपए है, टेबल पर छूट 12% की है, तो टेबल का दाम या मूल्य छूट के बाद क्या होगा, तो हमें कितनी छूट दे रहा है दुकानदार? 12%। हमारा टेबल का रेट कितना है? 2200। तो 2200 का हम 12% निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम 2200 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले 12% निकाले, प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं ना जी। अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, दोनों सुन ले, कट गया, कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 22 गुणी 12। जब हम 22 को हम 12 से क्या कर देते हैं, गुणा करेंगे ना, तो कैसे गुणा करेंगे, दो दुनी चार, एक दुनी दो, जोड़ देंगे क्या होगा, चार दो छह, दो का दो, हमारे पास कितना है 264। 264 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो 2200 के टेबल में हमें छूट कितनी मिल रही है, 264 रुपए, ये छूट है हमारा। तब टेबल का दाम क्या हो जाएगा, टेबल का दाम हम कैसे निकालेंगे, 2200 में से 264 को हम घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे कैसे घटाएंगे, ये शून्य से चार नहीं घटेगा तो हासिल नहीं है, इस यहां भी कुछ नहीं है, तो ये किस हासिल दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये इसको हासिल देगा तो ये कितना हो जाएगा 10, अब ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 6 गया 3, अब 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो ये इसको 1 देगा तो क्या हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 9, 1, 1, तो 11 में से 2 गया एक का, तो कितना हुआ हमारे पास, जो टेबल का छूट के बाद दाम कितना हो जाएगा 1936। तो 12% छूट के बाद उस टेबल का दाम होगा 1936। तो इस प्रकार से जो छूट के सवाल हम बनाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।